हेलो, मैं हूं सतीश कुमार। आज आपको बताते हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की कहानी हिंदी में। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनके काल का शासन उल्लेखनीय है। विक्रम संवत का आरंभ उनसे ही होता है। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से शायद ही कुछ जानते हों। एक बात तो उनके विषय में निश्चित है कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान किया और अपने दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के सबसे अधिक न्यायप्रिय शासक थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया और ना ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। अपराधी उनके सामने आते ही कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी और जो व्यक्ति उनके सामने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर आते थे, वे उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एकदम संतुष्ट होकर सुलझाते थे। और इसलिए भारत में उनके बाद जब भी किसी न्यायकर्ता ने बुद्धिमान के साथ अपना निर्णय लिया, तब उसके विषय में कहा गया, आह, वह निश्चय ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? शायद नहीं, क्योंकि वह सिंहासन अब विद्यमान नहीं है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि वह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किस प्रकार अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग कुछ समय के बाद उन्हें भूल गए। उनका राजमहल और किला नष्ट हो गए। इन खंडहरों के ढेर धूल घास और वृक्षों से ढक जाने पर पशुओं को चराने के चरागाह में परिवर्तित हो गए। गांव के लोग अपनी गायों को इन चरागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। प्रातःकाल के समय चरवाहे बालकों की देख रेख में पशु चरागाह जाया करते थे और शाम को देरी से वापस लौटा करते थे। जब उनके पास लौटने का समय होता था, तब एक चरवाहा बालक चरागाह के एक कोने से आवाज़ लगाता था और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ उसके चारों ओर एकत्र हो जाते थे और वे सब साथ साथ अपने अपने घरों को वापस आते थे। उज्जैन के आसपास के गांवों के चरवाहे बालकों का जीवन इसी प्रकार था। वे बहुत बड़ी संख्या में थे और चरागाहों के लंबे दिनों में उनके पास खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय होता था। एक दिन उन्हें खेल का एक स्थान मिला। वह स्थान अत्यधिक आनंददायक था। वृक्षों के नीचे की जमीन खुरदुरी तथा ऊबड़ खाबड़ थी। जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थरों की नोकें बाहर को झांकती हुई दिखाई पड़ती थीं और बीच में एक हरा टीला था जो एक न्यायकर्ता के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एक बालक ने इसी प्रकार विचार किया और उसके ऊपर बैठ गया। उसने पुकार कर कहा, बालको, मैं कहता हूँ मैं न्यायकर्ता बनूँगा और तुम सब अपने मामलों को मेरे सामने ला सकते हो। मैं उनका निर्णय करूंगा। तब उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया और न्यायकर्ता का कार्य करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। दूसरे लड़के ने इस मजाक को शीघ्र समझ लिया। आपस में कानाफूसी करके शीघ्र ही आपस में झगड़ा किया और उसके सामने उपस्थित हो गए। प्रत्येक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। किसी ने कहा कि यह खेत उसका है, दूसरे ने कहा यह खेत उसका नहीं है, आदि बीस वे सभी चाहते थे कि वह उनके झगड़ों का निपटारा करे। किसी
किंतु अब अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का एकदम साधारण दिखाई पड़ता था, अब वह पूर्णतया भिन्न दिखाई पड़ने लगा। वह बहुत शांत और गंभीर हो गया। उसके बातचीत करने का ढंग इतना विचित्र तथा प्रभावपूर्ण हो गया कि शेष सभी बच्चे भयभीत हो गए। अभी भी उन्होंने इसे मजाक समझा और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रखा और एक बार पुनः उस लड़के ने अपना निर्णय दिया। कई घंटों तक ऐसा ही होता रहा। वह लड़का न्यायकर्ता के आसन पर बैठा हुआ शिकायतें सुनता रहा और सभी और उसी गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता रहा। यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि उनके घर लौटने का समय न हो और तब वह अपने स्थान से कूदा और उन चरवाहों की तरह ही सामान्य बालक हो गया। इस घटना के बाद से वह चरवाहा बालक इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी गंभीर विवाद उसके सामने रखे जाते थे और सदैव वही घटना घटित होती थी। ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वह विवेकपूर्ण न्याय कर सकता था, किंतु जब वह अपनी सीट से उतरता था वह अन्य बालकों के समान साधारण बालक ही दिखाई पड़ता था। धीरे धीरे यह बालक सारे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। आसपास के गांवों के पुरुष और स्त्रियां चरवाहे बालक के दरबार में अपने झगड़े लाते थे और सदैव उन्हें एक ऐसा न्याय मिलता था जिसे दोनों पक्ष मान जाते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। अब राजा ने, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, इस कहानी को सुना और उसने कहा, अच्छा, निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। राजा का यह अनुमान ठीक था क्योंकि चरागाह के खंडर किसी समय विक्रमादित्य के महल थे। उसने सोचा, यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे बालक को बुद्धिमान, शुद्ध ज्ञान और न्याय प्राप्त हो जाते हैं तो हमें गहरी खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं भी उस पर बैठकर सब मामलों को सुनूंगा, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी और मैं भी सदैव के लिए न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। अतः फावड़ों और कुदालों से घास का एक टीला, जहां पर बालक खेला करते थे, खोद लिया गया। वह लड़का, जो स्वतः ही न्यायकर्ता बन गया था, दुखी हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया कि उसकी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अंत में मजदूरों को कोई वस्तु मिली, उन्होंने उस पर से मिट्टी हटाई तो उन्हें काले रंग के संगमरमर का शिलाखंड मिला, जो पत्थर के बने हुए 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। निश्चय ही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। अपार उल्लास के साथ उसको नगर में ले आया गया और न्यायालय के विशाल भवन में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि वे 3 दिन तक पूजा अर्चना करें और उपवास रखें, और उसने घोषणा की कि 4th दिन वह जनता के समक्ष सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वह शुभ दिन आया और राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। विशाल हॉल से चलकर राजा का अनुसरण करते हुए राज्य के न्यायकर्ता और पुजारी आए। जैसे ही वे न्याय सिंहासन के निकट पहुँचे, वे 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। राजा उनके बीच में से होकर आदर के साथ अपना सिर झुकाए हुए सीधा काले संगमरमर के शिलाखंड की ओर बढ़ा। जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि देवदूतों में से एक ने बोला, आरंभ किया, रुक जाओ। उसने कहा, क्या तुम यह समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की
राज्य करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर तक राजा इसका कोई उत्तर न सोच सका। वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। बहुत देर तक चुप रहने के पश्चात उसने कहा, नहीं, मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। तब उस देवदूत ने कहा, अब जाओ और 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करो जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया। राजा ने ईश्वर की प्रार्थना की, उपवास करके अपने आप को तैयार किया और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए पुनः आया। किंतु इस बार भी वही घटना घटित हुई। पत्थर के बने हुए दूसरे देवदूत ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की? राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, किसी एक देवदूत द्वारा उससे प्रश्न किया जाता और उसे वापस लौटना पड़ता। यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि सिंहासन को संभालने वाला केवल एक दूत ही रह गया। जब राजा बहुत आत्म के साथ उस सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस बार उसे बैठने की आज्ञा मिल ही जाएगी, किंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत ने कहा, हे राजा, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र हो? क्या तुम्हारा हृदय भी उसी छोटे बालक के समान बिल्कुल पवित्र है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। नहीं, राजा ने धीरे से बुदबुदाया, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। और इन शब्दों को सुनकर वह देवदूत भी आकाश की ओर उड़ सका और अपने सिर पर उस सिंहासन को भी ले लिया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदा के लिए चला गया, ओझल हो गया।